ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में केंद्र की बीजेपी सरकार की असफलता को उजागर करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने शहर के नंगली सर्किल पर मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि अलवर जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्विमुखी चेहरे को आम जनता के समक्ष उजागर करने के लिए कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के बर्तनों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अजमेर और जयपुर की सभाओं में उनके जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ चुनावी सभाओं में वादा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके और ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों को पानी की व्यवस्था करेंगे, नहर को सारे 13 जिलों तक लाएंगे। लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना तो दूर, हमारी राजस्थान सरकार को परमिशन देना तक उचित नहीं समझा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने 2023 के बजट में 14,200 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए पास किए और ईआरसीपी का काम शुरू। खान गोपाल मंत्री प्रमोद जैन भाया बारा प्रवास पर है। मंत्री भाया ने कांग्रेस की जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही बीजेपी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। मंत्री भाया ने कहा कि अजमेर में पीएम नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को लेकर चुनाव से पूर्व बड़ी घोषणा की थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण राजनीतिक द्वेषता के चलते पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया।